एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो पूरे विश्व भर में मशहूर है अपने मसालों के लिए। कौन सी है ये मार्केट और कैसे पहुंचा जा सकता है यहाँ पर बताऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम खड़े हैं एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार। गेस कर सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं भाई? जैसी प्रसिद्धि इसकी 17वीं शताब्दी में थी, बिल्कुल सही सुना आपने, 17वीं शताब्दी में। और ये जो बाज़ार है वो अस्तित्व में आया अपने मुग़ल काल के शासन में। जी हाँ, अब तो आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं खड़ी हूँ मसालों की खुशबू को अपने में समेटे हुए खारी बाबली मार्केट में। अपने मसालों के लिए पूरे विश्व भर में ये मार्केट फेमस है और ये एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाज़ार है। और यहाँ पर आपको हर तरह के, देसी हूँ या विदेशी, दोनों प्रकार के मसाले आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी भारी तादाद में होता है, तो बिजनेसमैन के साथ साथ आपको ख़रीदार भी यहाँ पर भारी मात्रा में मिलेंगे। तो अगर आप ये जो वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि इतनी भीड़ तो नहीं लग रही है, बिल्कुल भी इस पर मत जाइएगा, क्योंकि आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा बिजी मार्केट रहती है। क्योंकि ये अभी जो समय है ना वो 3 बजे के बाद का समय है, तो अभी थोड़ा हल्का है मार्केट, इसे हल्का ही कहूँगी हाँ, क्योंकि आमतौर पर ये मार्केट बहुत बिजी रहती है। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो अच्छा होगा कि क्यों ना यहीं के रहने वाले किसी पर्सन से जाना जाए। तो हाँ, रवीश कुमार गुप्ता जी हमें मिले और उन्होंने बताया कि भाई इस जगह को खारी बावली क्यों कहते हैं और कितनी पुरानी है। तो चलिए, वैसे उन तक पहुंचना भी आसान बात नहीं थी जी हाँ, इतनी पतली पतली गलियां दिल्ली 6 की, लेकिन उन्होंने हमारे लिए समय निकाला, तो इसके लिए तो भाई बहुत बड़ा धन्यवाद उनको बनता ही है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से। खारी बावली का इतिहास ये समझो आप कि करीब करीब को 300-400 साल पुराना है। अच्छा, खारी बावली में यहाँ पहले मेन काम हुआ करता था मसालों का। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मसाले की, और जो मसाले यहाँ मिलते हैं वो सारे प्योर मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं। खारी बावली में आज ड्राई फ्रूट मसाले ये मेन काम है खारी बावली का। खारी बावली से लगती हुई जितनी भी मार्केटें हैं वो सब अलग अलग काम करती हैं, चावल दालें। खारी बावली से लगता हुआ नया बाजार है, यहाँ पे सारे दाल चावल है, ग्रेन मर्चेंट है, यहाँ पे सारा का सारा ग्रेन का काम है। गली पताशो है एक, किसी डैम में यहाँ सिर्फ पताशे खीले ये बिका करते थे, चीनी का मेन काम होता था, लेकिन वक्त के हालात के हिसाब से पूजा पद्धति पलटती चले गई है, तो खील बताशे कम होते चलेगा, उसके जगह मिश्री कैंडी आने लगी है। और अब जानते हैं कि खारी बावली नाम इसका पड़ा कैसे। अब बताते हैं, हमें तो इतना देखा नहीं, सुना है हमने तो, कि यहाँ पे पहले नाव चला करती थी। अच्छा, हाँ, व्यापार यहाँ पे जो आते थे वो नाव से खरीदने आते थे, तो जो हमने सुन रखा है यहाँ का मेन काम, इसलिए यहाँ का नाम खारी बावली पड़ा है, क्योंकि यहाँ खारे पानी की पहले वो होती थी, इसलिए इसका नाम खारी बावली है। इंडिया के मसाले हैं वो ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते मसाले, यहाँ इतने फेमस मसाले हैं, और जो प्योरिटी है वो यहाँ के मसालों में मिलेगी आपको, बिल्कुल साफ सुथरे मसाले होते हैं यहाँ पे। तो भाई रवीश जी ने बताया मसालों के बारे में, चावल के बारे में, और एक चावल वाला जो मैं अपने बचपन से जरूर सुनती आई हूँ वो है 15 नंबर चावल वाला। जी हाँ, ये जो आप सभी स्क्रीन पर अभी आप अपने सामने देख रहे होंगे ना, ये कब से फेमस है और ये हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल फुल है, बिजी है, लेकिन संजय गुप्ता जी की मदद से आज हमें इनको अंदर से, यानी कि दुकान के अंदर से मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये लोग काम करते हैं। और इनकी दुकान ये अभी से नहीं है, ये कह रहे थे कि 1938 से इनकी ये दुकान है, और क्या नहीं है इनके शॉप पर, आप बस मसालों का नाम लीजिए और वो सारे मसाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो संजय गुप्ता जी जो इस शॉप के ओनर हैं वो तो हमें नहीं मिले, लेकिन सेल्समैन जो यहाँ पर काम करते हैं उन्होंने बताया कि वो कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या है राज इसके फेमस होने का। यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 1991 से काम कर रहे हैं, 1938 से खुली हुई है ये दुकान जी। अच्छा, हमने तो 1991 से काम करते हैं, जब से इनके दादाजी दुकान खोलते थे पहले, उसके फिर इनके पिताजी आए, फिर इनके लड़के आए। राज क्वालिटी का राज है जी, क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी देते हैं। तो चलिए, शॉप है बहुत बिजी और हम इन्हें अपना काम करने देते हैं और हम चलते हैं बाहर की और बताते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। लाल किले की तरफ से आ रहे हैं तो आप रिक्शा के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, और फतेहपुरी जो मस्जिद है उसके आपको राइट मोड़ना है, और चावड़ी बाज़ार से आ रहे हैं तो आपको निकलना है गेट नंबर 3 की तरफ से, और वहाँ से भी आप रिक्शा के थ्रू खारी बावली पहुँच सकते हैं।
तो कैसी लगी हमारी वीडियो? पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।